जब मैं मिली, जब हम बीएनपी था, लालू जी बीएनपी था, पीछे पीछे लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है, बोलता है सबसे ज्यादा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फाउंडेशन पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पटना पहुंचने के बाद सीधे मुलाकात की है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से। इसके साथ साथ बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के बाद जो है ममता बनर्जी ने जो है मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बात के दौरान उन्होंने कहा है कि दरअसल जब उसे सवाल पूछा गया कि लालू यादव से आपके संबंध हमेशा से अच्छे रहे, उसका जिक्र करते हुए ममता बनर्जी एक वाक्य का जिक्र करती हैं। कहती हैं कि संसद में जब वो खुद सांसद थी और लालू यादव सांसद थे, तब लालू यादव ने कई चीज़ों के महंगे होने की बात उनसे की थी, जिसमें आलू प्याज महंगा हो गया, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। जिसके बाद ममता बनर्जी ने हंस के उनसे पूछा था कि राबड़ी देवी कितनी महंगी हैं। इस पर लालू यादव ने क्या जवाब दिया था ममता बनर्जी को, पहले सुनवा। बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका और लालू जी का। ऑलवेज आपका पता है जी, एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब मैं मिली, जब हम बीएनपी था, लालू जी बीएनपी था, पीछे पीछे था, लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है, बोलता है सबसे ज्यादा है। अभी हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस पार्टी शर्त रख रही है, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है, जो नीति चयन होगा वो सबको लिए होगा। केजरीवाल ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते चाहेंगे, और कल मीटिंग में करेंगे। तो बता दें आपको कि विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर के पटना में एक एक करके बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ममता बनर्जी पहुंची तो सीधे लालू यादव के से मिलने के लिए तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची, वहां पर मुलाकात हुई। कुछ देर की मीटिंग के बाद जो है ममता बनर्जी बाहर निकली और इस मीटिंग के सहारे एक तरीके से कहें कि वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि बिहार में लालू यादव जो है एक बड़ा नेता है और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि इसको तेजस्वी यादव के बढ़ते और एक के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब नीतीश कुमार पहुंचे थे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए, तो उस दौरान भी जो है तेजस्वी यादव उनके साथ साथ नजर आए थे। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पिछले करीब एक साल से तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की सबसे बड़ी मुहिम को जो है वो रफ्तार दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक एक करके तमाम नेताओं से वो मिल रहे थे और अब जब वो तारीख आ गई है 23 जून की, जब तमाम दल एक मंच पर होंगे और वहाँ पर एक साझा रणनीति तय होगी किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए और किस तरीके से बीजेपी को सत्ता में फिर से वापस आने से रोका जाए। और ममता बनर्जी ने एक तरीके से कहें कि अपने सधी हुई सियासी चाल के सहारे जो जब पटना पहुंची तो सीधे पहुंचती हैं राबड़ी देवी लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए तेजस्वी यादव के आवास पर। वहां पर कुछ देर की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने लालू यादव के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके साथ के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।